जीवन क्या है? कुछ अनिश्चित पलों को जोड़ के बनाया गया एक निश्चित कार्यक्रम, और इसमें विपदा जब भी आती है बिना आवाज किए आती है, और जीवन ठहर जाता है, वक्त रुक जाता है, भविष्य धुंधला पड़ जाता है। There was fear everywhere. We had no idea if we ever get the COVID attack, whether we'll survive. वैश्विक महामारी, ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। We did not have specific antidote for it. Neither did we have a vaccine. लेकिन विपदा में जहां एक तरफ विनाशकारी खतरा होता है, वहीं दूसरी तरफ होता है उसको हराने का प्रयास। We were all trying to develop the product as soon as possible. We were in a race against time. Desperate time called for desperate actions. और अगर प्रयास अथक और सच्चा हो, Vaccinating 1/6 of the human population is not a trivial task. The safety is very important for people. We are giving a vaccine to healthy people, not infected, healthy people. India's vaccination drive, I think, is a historically a remarkable story that needs an objective telling. तो कैसे साथ आया पूरा देश, कैसे लड़ा, कैसे जीता, और क्या थी वो COVID-19 की स्ट्रैटेजी जिसका गुणगान पूरे विश्व ने किया? विश्व पे हमला हो चुका था, एक वायरस ने सबको बंधक बना दिया था, चारों तरफ कोहराम था, क्योंकि भारतीयों के सामने था जीवित रहने का खतरा। जहां एक तरफ वो लोग थे जो अब भी आने वाले खतरे से अनजान थे, वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्हें आभास हो चला था कि ये कोई मामूली वायरस नहीं, बल्कि एक ऐसी सुनामी है जो मनुष्य जाति का अस्तित्व मिटा सकती है। WHO has been assessing this outbreak around the clock. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. आज विश्व बहुत ही छोटा हो गया है, इंटरकनेक्टेड है, इंटररिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, आवाजाही बहुत तेजी से हो रही है, कहीं पर हो रहा है, इसलिए हमारे यहाँ नहीं होगा, ऐसी मूर्खता करना उचित नहीं होगा, ये पहला विचार मेरे मन में था। वो कड़ा कदम उठाया गया जिसकी जरूरत थी वायरस को रोकने के लिए। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अनजान वायरस पूरी दुनिया को कदमों पर ले आया था। भारत ने पहले कभी इस तरह की घटना को नहीं देखा था, और सरकार के लिए भी ऐसा कठोर निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि इसके परिणाम बहुत गंभीर थे, जीवन पे भी और जीविका पे भी। भारत के पास और कोई विकल्प नहीं था। वायरस पूरे देश को जकड़ रहा था, लेकिन वायरस को रोकने के लिए उसके कैरियर यानी इंसानों को रोकना जरूरी था। When COVID broke out across the world and started attacking India, medical community had no idea what this was about. There was fear everywhere.
We had no idea whether we will survive, how it will manifest, how to treat patients, what medicine works, what medicine doesn't work. दुनिया की एक छठी आबादी को बचाने के लिए भारत को कोविड 19 महामारी के खिलाफ एक लंबी और कड़ी लड़ाई लड़नी थी। कोविड 19 अमीर या गरीब में कोई भेदभाव किए बगैर प्रकाश जैसी तीव्र गति से फैल रहा था। जिन विकसित देशों में कोविड 19 पहले पहुंच गया था वहां के आंकड़े डरावने थे। सबको यही डर था कि अगर इन देशों की ये हालत है तो विकासशील देश जैसे कि हम, उनका क्या होगा? लोगों की तो दुर्दशा होगी ही, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का क्या होगा? When the epidemic strikes, we run out of beds, we run out of oxygen, we run out of medicine, people, there is going to be a disaster. It has happened all over the world. मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि सभी मरीजों का इलाज कराना असंभव होता जा रहा था, और संभावना थी तो बस एक बचाव की, जिसके लिए जरूरी था एक प्रभावी वैक्सीन का होना। अब हमारे सामने दो रास्ते थे। क्या हम दुनिया का कोई देश वैक्सीन बनाएगा उसका इंतजार करें, या हम भी अपने जीनोमिक स्थितियों का पूरा एनालिसिस करके हमारे देशवासियों को ध्यान में रख करके वैक्सीन डेवलप करेंगे तो सार्थक होगी। पहले ही हमने वैज्ञानिकों का एक टास्क फोर्स बनाया और तय किया कि हम अपना वैक्सीन बनाएंगे। All coronaviruses, this belongs to a family called Coronaviridae. They all have protruding spikes from the main body of the virus that resembles, you know, the spikes of a crown or even the rays of the sun. And ironically, it created so much havoc the world over. We decided to develop a vaccine of our own because we know we have a strong leadership, and this leadership believes in self-sufficiency and Atmanirbhar, as we all know. Bharat Sarkar ne research karne ke liye 900 crore rupees ka allocation kiya. Aur research karne ke liye jab paisa diya gaya, tab usko kaha gaya ki zaroor nahi hai ki sabhi ko result hi mile, lekin aap confidence ke saath research kariye. प्रधानमंत्री मोदी की यलगार देश के हर लैब, हर रिसर्च सेंटर में गूंजी। कहना साफ था, जो करना है करो, लेकिन जीत हासिल करो। मार्च 2020 के अंत तक ग्लोबल मामलों ने 10 लाख का आंकड़ा छूना शुरू कर दिया था, जिसमें मरने वाले तकरीबन 45,000। मरने वालों की इतनी बड़ी संख्या ने ना सिर्फ डराया बल्कि उम्मीद भी तोड़ी। सबका एक ही सवाल था, कहाँ है वैक्सीन, कब आएगी वैक्सीन? पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में डॉक्टर प्रिया अब्राहम और उनकी टीम वायरस को अलग करने में जुटे हुए थे, जो वैक्सीन बनाने में पहला कदम था। What we really needed to have under our belt was the capacity to isolate this virus, you know, in vitro, in a laboratory, because then we could grow up the virus. Virus would be available for making diagnostic tools and could technically be also available for a future vaccine. भारत में biosafety level 4 lab का होना विश्व में भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। India is often called the pharmacy to the world, primarily on the back of the fact that more than 62% of global vaccines originate in India. And this is not just the manufacturing capability, which of course is immense, but a significant development and the research back end happens in India. We knew this was a virus that had a great deal of transmissibility. So we chose at that point to attempt to isolate it in BSL-4. We worked at breakneck speed. In fact, many of the staff were stationed in our guest house on the other campus, and they didn't go home. योद्धा रहते साथ हैं, खाते साथ हैं और लड़ते साथ हैं।
हमारे नए जमाने की योद्धा भी 24 घंटे युद्ध भूमि में डटे हुए थे। सरकार, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक और पूरा देश मिलकर वायरस से लड़ रहा था। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, जिसका मतलब साफ था कि अब रास्ता सिर्फ आगे की तरफ है। पुणे में विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया था। It was very evident that a company like Serum Institute, which was always producing vaccines to, you know, cover more than 50% of the globe, should start developing a vaccine. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनिका के साथ पार्टनरशिप करके सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने के जटिल काम को सुलझाने में लगा हुआ था। दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की हिम्मत बरकरार थी और आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद जिस वायरस ने दुनिया को कब्जे में लिया हुआ था, उस पर हमारे NIV के योद्धाओं ने कब्जा कर लिया था। We were ready to report to the world that we had successfully isolated the virus, being the fifth country in the world to do so. इस पहली जीत ने एक बड़ी जीत का सपना दिखा दिया था। इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल पार्टनर्स, जो वायरस को अलग कर चुके थे, वैक्सीन बनाने में सफल हो गए और उसे नाम दिया गया कोविशील्ड। कोविशील्ड ह्यूमन ट्रायल्स के लिए तैयार थी, लेकिन इन ट्रायल्स में कई तरह के डर छुपे होते हैं। क्या होगा अगर वैक्सीन काम न करे? क्या होगा अगर किसी की मृत्यु हो जाए? क्या हो अगर लोगों की सुरक्षा के लिए बनने वाली चीज उन्हें हानि पहुंचा दे? It wasn't just a financial risk, and more than that, you know, it was a sense of responsibility, lives and livelihoods. लेकिन नैतिक जिम्मेदारियों के अलावा भी कई चिंताएं थी। अगर टीके ने काम नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। हम ना सिर्फ उसी जगह पर वापस लौट जाएंगे जहां से सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी, बल्कि पूरे देश की उम्मीदें भी चकनाचूर हो जाएंगी। जब कोविशील्ड का ह्यूमन ट्रायल चल रहा था, उसी वक्त हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारतीय वैक्सीन के लिए NIV पुणे को एक अनुरोध भेजा। In the month of February, when declared the COVID-19, within a week, I wrote to the headquarters that I want to work on a COVID vaccine. We want to have a partnership with NIV Pune. In the end of May, we got the virus from the NIV Pune. भारत बायोटेक की टीम ने एक साहसिक निर्णय लिया। टीके को पारंपरिक और भरोसेमंद तकनीक इनएक्टिवेटेड वायरस मेथड से विकसित करने का। टीके का एक सिद्धांत है, इसमें उसी बीमारी को फैलाने वाले वायरस को डाला जाता है जिससे लड़ने के लिए इसे बनाया गया है। हालांकि वायरस की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इतनी जरूर होती है कि दाखिल होने के बाद हमारे शरीर में इसके खिलाफ इम्यूनिटी को बनवा दे, और वो टीके जिनमें वायरस को इनएक्टिवेट करके डाला जाता है उन्हें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। कई टीके जो हमने बचपन से लगवाए हैं वो इसी तकनीक पे बनाई गई हैं, जैसे पोलियो और हेपेटाइटिस ए के टीके। यस, इट्स एन ओल्ड टेक्नोलॉजी, बट इट्स अ टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी। वी सेड दिस इज गुड, इट्स टाइम टेस्टेड, इट्स सेफ। सेफ्टी 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। We are giving a vaccine to healthy people, not infected, healthy people. So that means the safety is the most crucial factor in a vaccine. सिर्फ वैज्ञानिक या बाकी लोग ही वैक्सीन को लेकर चिंतित नहीं थे, बल्कि प्रधानमंत्री भी सभी डेवलपमेंट और ट्रायल्स का लगातार जायजा ले रहे थे। ना सिर्फ उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे प्लांट्स का दौरा किया, बल्कि उनके ऑफिस ने रोज दो बार वैक्सीन उत्पादकों और NIV पुणे के साथ आकलन किया। इस तरह का जुड़ाव जब किसी देश का प्रधान दिखाए तो योद्धाओं में जोश आना लाजमी है।
think the Prime Minister visiting to our plant was the inspiration for us. As a country head, as a country chief, visiting our plant was a honor for us. महामारी के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। लोगों के पास पैसा और पैसा कमाने की उम्मीद दोनों का अभाव था। और समय की सबसे ज्यादा मार उस वर्ग को झेलनी पड़ रही थी जो रोज कमाता था, खाता था। मुसीबतों से घिरा हुआ ये वर्ग मदद को पुकार रहा था। पूरे लॉकडाउन के दौरान सरकार ने नागरिकों, खासतौर पे लोअर इनकम ग्रुप को ध्यान में रखकर कई योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। सरकार ने ना सिर्फ मुफ्त राशन बांटा बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टारगेटेड वेलफेयर स्कीम के तहत जरूरतमंदों को हर महीने आर्थिक मदद के रूप में धनराशि भी दी गई, वो भी सीधा उनके बैंक खातों में। जैसे जैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आकार ले रहे थे, वैसे वैसे सरकार देश को फेजेस में अनलॉक कर रही थी, जरूरी प्रतिबंधों के साथ। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। 3 जून 2020 को भारत ने पहली बार 2,00,000 सक्रिय मामलों का आंकड़ा पार किया। तेजी से फैलते वायरस और उससे भी ज्यादा तेजी से फैलते आतंक को देखकर वैज्ञानिकों को दिए गए समय को और कम कर दिया गया। इसका केवल एक ही अर्थ था, वैज्ञानिकों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बाकी शामिल लोगों को अब दोगुना तेजी से काम करना पड़ेगा। दबाव और टीके के लिए लोगों की तड़प को सिर्फ फार्मा उद्योग ही नहीं बल्कि सरकार भी महसूस कर रही थी। उन्होंने हर वो संभव काम किया जिससे वैक्सीन बनाने की लंबी प्रक्रिया को छोटा किया जा सके। इंडिया में वैक्सीन का रिसर्च और रिसर्च करने के बाद जो उसकी सिस्टम होती है उसको पास करने की, उसको परमिशन देने की, उसमें तकरीबन 4 से 4.5 साल लगता था। वैक्सीन तो हमें तुरंत ही चाहिए था, इसलिए जो सिस्टम को शॉर्ट करना था, रोबस्ट करना था, वो भी सरकार ने आवश्यकता के अनुसार किया। I mean, the time was very less. Time was very less. We need to move fast. So we took a risk of 3 different formulation so that it can be tested which is better. And pick up the one which is good and then move to the clinical trial. तीनों वैक्सीन formulations को NIV के साथ साझा किया गया ताकि वैक्सीन चैलेंज टेस्ट सीरियन गोल्डन हैमस्टर्स पे किया जा सके। सो दीस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। नाउ गोल्डन हैमस्टर्स आर स्मॉल एनिमल्स एंड वी गिव देम अ वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ 3 डोजेस एट अ फिक्स स्पेसिंग एंड देन गिव अ गैप एंड देन सिम्युलेटिंग एन इन्फेक्शन दैट अ ह्यूमन बीइंग कुड हैव आफ्टर वैक्सीनेशन। It clearly showed that animals were protected as a result of the vaccination, and clinical trials were ready to start off immediately. तीन महीनों के अंदर ही भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन बना दी थी, वो वैक्सीन जो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अब तैयार थी, 100% भारत में बनी वैक्सीन। सो दिस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप आई थिंक इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ इट हैज वर्क सो वेल फॉर इंडिया एंड हाउ इट कैन सर्व एज अ टेम्पलेट। एम्स पटना में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया, वॉलंटियर्स को टीके दिए गए और फिर हर संभव साइड इफेक्ट्स को जांचा गया। पूरा देश डर और उम्मीद के बीच जूझते हुए बस यही प्रार्थना कर रहा था कि सब ठीक हो जाए। इन केस एक व्यक्ति को भी साइड इफेक्ट से कुछ हो गया
तो पूरी वैक्सीन पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ट्रायल्स के परिणाम सकारात्मक आने लगे। एक सराहनीय उपलब्धि हासिल करके भारत ने विश्व को दिखा दिया कि वो सही मायने में आत्मनिर्भर है। देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा था, लोग सड़कों पे वापस आ चुके थे। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली आने वाला था। रोशनी और खुशियां फैलाने का त्यौहार इस बार कुछ और भी फैला सकता था। भारत को टीके की जरूरत सबसे ज्यादा अब थी। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। एक महीने के अंदर भारत ने दो टीकों यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए अनुमति दे दी। 3 जनवरी 2021 को भारत ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखा दी। Now we launched the actual vaccine in India in January of 2021. So it was done in under 12 months, which has to be some kind of world record. टीकों में भारत दुनिया से हमेशा पीछे ही रहा, लेकिन ये पहली बार था जब भारत पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए था। ये पहली बार था जब विश्व भारत और उसके विज्ञान की तरफ सम्मान से देख रहा था। लेकिन टीके को विकसित करना चुनौती का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। आगे था 130 करोड़ भारतीयों का टीका देने का कठिन काम, जो 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए थे। We are a very large country. So you, when we compare India to any other country, you should ideally compare it with, let's say, the European Union as a whole. हालांकि भारत को अपने मौजूदा राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का काफी तजुर्बा था, लेकिन इस बार जल्दबाजी थोड़ी ज्यादा थी। देशवासियों को बचाना जो था, हिंदुस्तान में रेगिस्तान से लेके बर्फीले पहाड़, नदियों और दूर दराज तक फैले गांव सब मिलेंगे। आखिर कैसे पहुंचाया जाएगा इतने कम समय में ऐसी जगहों पे? वो भी तब जब टीके को रखने के लिए एक निर्धारित कम तापमान की जरूरत हो। प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने यह आकलन किया था कि भारत को अपनी कोल्ड चेन स्टोरेज की व्यवस्था को 25-30% तक बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। चुनौती थी स्थानीय स्तर पर, क्या वैक्सीन को कुछ दिनों के लिए रखा जा सकता था, और उन जगहों का क्या जहां बिजली आती जाती रहती है? यहां भी उपाय ढूंढा जा चुका था, वो भी बिना किसी विदेशी मदद के, एकदम आत्मनिर्भर स्पिरिट में। गोदरेज, भारत के लीडिंग बिजनेस ग्रुप्स में से एक, ने ऐसा रेफ्रिजरेटर तैयार किया था जो स्टोरेज की समस्या से छुटकारा दिला सकता था, खासकर उन दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली अनियमित थी। इस तकनीक को नाम दिया गया श्योर चिल। Now the beauty of this technology is that even if there is power outages, it can still hold over the temperature precisely at 4 to 6 for a period of anywhere between 72 hours to 4 days. इसने स्थानीय स्तर पर तो टीके के रख रखाव को संभव बनाया है, लेकिन उन इलाकों में भी बनाया जो अविकसित थे, और फिर विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने टीकाकरण अभियान को विभिन्न चरणों में शुरू करने का निर्णय लिया। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को डोसेज दिए गए। उसके बाद टीके को सभी लोगों तक पहुंचाने के काम को शुरू कर दिया।
लेकिन इंसानी आबादी के एक छठे समूह को टीका देना आसान नहीं था। इसके लिए जरूरत थी एक मजबूत तकनीकी नींव की, जो इस विशालकाय काम को संभाल सके। भ्रष्टाचार का इकलौता कारण है स्वार्थ, और महामारी के समय तो उधार से उधार इंसान भी स्वार्थी बन सकता है, जिससे टीकाकरण में कालाबाजारी से लेकर भ्रष्टाचार से जुड़े हर गलत काम के होने की संभावना थी। Unless it is done in a manner which is transparent, where the VVIP also looks at the same dashboard and platform, and the poor man also looks at the same platform, that kind of, you know, information symmetry to everybody is very important. And that single source of truth can come only from a technology platform. And that's why Cowin was so important. इस आवश्यकता को भी हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने टीके बनाने से पहले ही समझ लिया था। उन्होंने अपने दल को बुला के कहा कि वो एक ऐसा मजबूत और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाए जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के टीकाकरण में कोई अड़चन ना आए। इंडिया हैज अ वेरी वेरी रोबस्ट वे ऑफ ऑथेंटिकेटिंग अ पर्सन। यू कैन ऑथेंटिकेट by just entering your Aadhaar number. Authenticate और इस्तेमाल करने की आसानी टीकाकरण अभियान के लिए वरदान साबित हुई। कोविन को 12 भाषाओं में लाया गया और देश भर में 400,000 कॉमन सर्विस सेंटर को भी खोला गया, जिससे लोगों को रजिस्टर करने में मदद मिले। कोविन सही मायने में लोकतंत्र की परिभाषा थी। दुनिया में अकेला भारत देश है जो इसका कोविन के कारण हम तय कर सकते थे कि कहाँ वैक्सीन मिलेगा, आपको किस समय जाने से तुरंत 5-10 मिनट में आपका काम हो जाएगा, पहली वैक्सीन के बाद दूसरा वैक्सीन कब लेना है उसका मैसेज आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। वैक्सीन लगवाने के बाद कोविन प्लेटफॉर्म पे QR कोड वाला एक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, जिसे किसी भी स्कैनर से पढ़ा जा सकता था, ताकि अगर किसी को साबित करना हो कि उसने वैक्सीन लगवाई है तो वो कर पाए। ये ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मान्य। फरवरी 2021 खत्म होते होते भारत के 1,20,00,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका था, एक ऐसी सफलता जो कुछ ही देश प्राप्त कर पाए थे। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ भारत नए समूहों को टीका लगाने को तैयार था। हालांकि ये जरूरी था कि लोगों के मन में टीके को लेकर कोई भी भय या शंका न हो। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ के पहल करने का निर्णय लिया। उन्होंने खुद को रजिस्टर किया, फिर एक टीकाकरण केंद्र पे आए, लाइन में खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार करने के बाद टीका लगवाया, वो भी भारत में बनी कोवैक्सीन का। इसमें बड़ा संदेश भी था कि भारत अपने प्रधानमंत्री और एक आम नागरिक के बीच कोई अंतर नहीं करता। The leadership has clearly demonstrated that they had faith in an Indian product, they had faith in an Indian science, and they had faith in an Indian delivery of the vaccine. भारत उन चंद देशों में था जिनके पास खुद का टीका था। 1 अरब से ज्यादा लोग होने के बावजूद भारत ने दूसरों के साथ अपनी वैक्सीन साझा करने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई, ऐसे वक्त में जब ज्यादातर विकसित देश स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। भारत ने ना सिर्फ अपने लोगों का टीकाकरण किया बल्कि बाकी दुनिया के बारे में भी सोचा। एक छोटे से वक्त में ही प्रोडक्शन बढ़ाने की भारत की क्षमता ही थी जिसने सुनिश्चित किया कि सबसे बड़े टीकाकरण अभियान भी देश में चलता रहे और साथ ही जरूरतमंद देशों को भी मदद मिलती रहे। भारतीय लीडरशिप ने वैक्सीन मैत्री की घोषणा की और उन देशों की मदद की जिनके पास ना खुद की वैक्सीन थी ना ही कहीं और से लाने का जरिया। एंड सो दैट्स वैक्सींस वर अवेलेबल नॉट ओनली टू इंडिया डोमेस्टिकली बट ओवर टाइम to many, many countries. And so, you know, they not only had them to save lives for India itself, but for the world at large.
by early March of 2021, India had already exported more than 60 million vaccines to over 71 countries. The solidarity that India has demonstrated. I wish to take this opportunity to personally thank. I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. Quiero agradecer al primer ministro Narendra Modi, Dani Amar. भारत के दूर दराज तक फैले इलाके और अलग अलग टेरेंस वैसे तो देश का गौरव है, लेकिन टीकाकरण के दौरान कठिनाइयों का कारण बने। इंडिया इज अ बिग कंट्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ जम्मू कश्मीर टू साउथ कन्याकुमारी एंड देन वेस्ट गुजरात टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय मणिपुर एंड ऑल। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के एक गाँव नुनसुरी को वैक्सीन चाहिए। इसकी लगभग 3,224 किलोमीटर की यात्रा पुणे से शुरू होती है जहां वैक्सीन का उत्पादन होता है। यह सबसे पहले कोलकाता यानी क्षेत्रीय स्टोरेज केंद्र पे पहुंचती है। यहां से इसको मिजोरम की राजधानी आइजोल तक लाया जाता है, फिर ट्रक से लोंगलेई तक, कार से लाबोंग तक, नाव से नुनसुरी और अंत में पैदल। टीके के वितरण से जुड़ी समस्याएं असीमित थी, लेकिन बावजूद इसके हमारे टीकाकर्मी नहीं रुके। उन्होंने एक अद्भुत तरीका ढूंढा। ड्रोन्स को पूर्वोत्तर राज्य जैसे मणिपुर और नागालैंड के दूरदराज के इलाकों तक उड़ाया गया। So our main motto was if we can deliver vaccine by drone in these areas, so we can deliver these vaccines in anywhere in India. फ्रंटलाइन वर्कर्स की परेशानियां सिर्फ मुश्किल इलाकों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें कई मानसिकताओं से भी लड़ना था। मलाना हिमाचल प्रदेश का एक दूर दराज का गांव भी एक ऐसा ही उदाहरण था। So, मलाना बेसिकली इज अ विलेज लोकेटेड इन द पार्वती वैली। एक ऐसा गांव है जहां अभी भी सड़क से पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मलाना कई बातों से अलग था। लोगों का यह दावा था कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज थे। इस वजह से उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग थी। उन्हें अपने स्थानीय देवी देवताओं में अटूट भरोसा था और बाहर वालों के साथ घुलना मिलना तो दूर, वो उन्हें शक की नजर से देखते थे। तो वी रियलाइज कि मलाना इज वन विलेज, वी वर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। सो वी डिसाइडेड दैट द एंटायर टीम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द deputy commissioner, the chief medical officer, the health team, we all decided that we should go there. We should have a discussion with the people. We should see what their concerns are. People in Malana will not be very receptive when somebody from outside comes. And when we went there, it was not an exception. कोरोना थोड़ी है जो टीका लगवाने बात ये है, इस कल्चर को पहले बचाना है। कल्चर नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे टीकों का। सो आफ्टर सम हेल्प फ्रॉम द लोकल पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, वी वर एबल टू कन्विंस देम टू एटलीस्ट यू नो कम एंड सिट देयर एंड लिसन टू अस। वंस यू नो टू और थ्री ऑफ देम एक्चुअली गॉट वैक्सीनेटेड, वी सॉ अ लाइन, we saw a queue building up, and I think we vaccinated around 700 people the very first day. Our motto was that you know, no one should be left behind, and we have to ensure coverage of 100% people. टीकाकरण अभियान के पूरी तरह चलने के साथ जिंदगी भी धीरे-धीरे नॉर्मलसी की तरफ लौट रही थी।
लेकिन दुर्भाग्य से इंसान कभी आने वाली आपदा का अनुमान नहीं लगा पाया है। इस बार भी ऐसा ही हुआ जब दस्तक दी कोविड-19 के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा ने। The speed with which Delta hit us, no one predicted it. ये एक ऐसा वेरिएंट था जो कोविड से कई गुना ज्यादा विनाशकारी साबित हो रहा था। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसने हाहाकार मचा दिया था। The virus becomes more virulent in terms of becoming more dangerous as well as spreading very very fast. This is the typical pattern. लेकिन इसने साबित कर दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीका देने का भारत सरकार का निर्णय समझदारी वाला था। There is no way we could have mobilized that many thousands of healthcare workers, doctors, nurses, medical tech, support staff, everyone, if they were not vaccinated. It's not fair to have asked them to go to a enter a room filled with 50-100 COVID patients when they themselves are not protected. The government did a series of things, and I think the most predominant of that is drive up the vaccination drive. और फिर 1 मई 2021 को डेल्टा लहर के बीच में भारत ने 18 साल से ऊपर के हर नागरिक के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया। Once the Delta wave hit, India, you know, saw how damaging this was for people who were unvaccinated, and actually built centers and got the message out. In fact, the speed of vaccination focused on the elderly, but also the broad population went faster than in many rich countries. शुरू होने के पहले 8 घंटों में ही 1,37,00,000 लोगों ने कोविन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लिया। रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही जैसे फ्लड गेट्स खुल गए। एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहती थी। पीक टाइम पे हर सेकंड 55,000 हिट्स आ रहे थे, जिसका मतलब हर घंटे लाखों करोड़ों लोग कोविन का इस्तेमाल कर रहे थे। भारी ट्रैफिक के बावजूद कोविन प्लेटफॉर्म टिका रहा। ये भारत के मजबूत सिस्टम बनाने वाले डिजिटल कौशल का नमूना था। I'm so happy all of us got vaccinated. Thoda tension to tha, but overall great sense of relief. June 2021 भारत पहला लोकतांत्रिक देश बना जिसने विश्व में सबसे ज्यादा टीकाकरण किया। ये नया भारत था, आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता हुआ, वो भी अपनी शर्तों पे। देशवासियों के साथ नियमित बातचीत करने वाले प्लेटफॉर्म मन की बात में प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन फॉर ऑल, सर्वजन टीकाकरण की कई बार बात की। देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। The messaging was very clear right from the beginning. So I think that connect and that degree of honesty with which it was being led, it was being rolled out, the people connected immediately. So we didn't face any significant, you know, pushback against vaccine as such. राष्ट्रीय स्तर पर एक 360 डिग्री रणनीति लागू की गई। सभी सेलुलर नेटवर्क्स में यही संदेश फैल रहा था कि टीका लगवाएं। नमस्कार, कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है, इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे बिना सैनिकों के नहीं जीता जा सकता। कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में भी सैनिकों का योगदान सबसे ज्यादा जरूरी था। वो सैनिक जो तलवार की जगह वैक्सीन लिए आगे बढ़ रहे थे।
ऐसी एक कहानी है 23 साल के जिग्ना केसरिया की, जो कच्छ के गोरेवाली में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में स्वास्थ्य कर्मी है। एक ऐसा वेटलैंड जो ज्यादातर समय बंजर और सूखा दोनों ही रहता है। जिग्ना 6 गांव और कई बस्तियों में काम करती है। पशुपालक एक जगह नहीं रहते, वो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और वो लोग गाय भैंस रखते हैं, इसलिए जब बारिश नहीं होती तो पशुओं के लिए घास चारा नहीं मिलता, इसलिए वो लोग दूर के इलाकों में चले जाते हैं। लगाने के लिए हर रोज 5 से 7 किलोमीटर चलना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, और जाते समय वैक्सीन कैरियर सब सामान लेकर चलना होता है, तो उसका वजन भी होता है, बहुत गर्मी लगती है, थकान महसूस होती है, पसीना आता है। वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब से, मतलब वैक्सीनेशन पूरा करने में करीब 6 महीने लगे थे, तो 6 महीने में 600 किलोमीटर, लगभग 500-600 किलोमीटर चलना पड़ा था। जिग्ना की कहानी थी तो बहुत प्यारी, लेकिन ऐसी कई जिग्ना थी जो पूरे स्वास्थ्य के ढांचे को अपने कंधे पे उठाए लोगों तक पहुंच रही थी। आपने प्यासे को कुएं तक पहुंचते हुए तो सुना होगा, लेकिन कुएं का प्यासे तक पहुंचने का ये अनोखा कारनामा था। टीके कैसे बनाए जाते हैं और मुश्किलों को कैसे पार किया जाता है, विश्व को ये सिखाने के बाद भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 27 अगस्त 2021 को भारत ने टीकाकरण में 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया और फिर 17 सितंबर 2021 को एक और विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ डोसेज दी। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या के बराबर है। पूरी दुनिया ने एक मत होकर गुणगान किया। भारत अब तक अमेरिका से 2 गुना डोजेस दे चुका था और एक सामान्य जिंदगी की झलक दिखने लगी थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। एक सपेरे के देश से दुनिया को अपनी धुन पर सम्मोहित करने वाला देश, ये थी नए भारत की नई पहचान। जनवरी आया और साथ लाया ओमिक्रॉन, कोविड का एक और नया वेरिएंट। इवन दो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर गेटिंग इन्फेक्टेड, देयर वर हार्डली एनी पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट द ओमिक्रॉन वेव वाज माइल्डर बिकॉज़ वी आर ऑल इम्यूनाइज्ड। 2 साल से भी कम समय में भारत ने अपने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को काफी बेहतर किया। एक समय सिर्फ 14 प्रशिक्षण लैब्स की गिनती अब 3100 तक पहुंच चुकी थी, और 2020 मार्च में सिर्फ 2168 फुल फ्लेजेड आईसीयू बेड्स की गिनती अब तक 1,39,000 से अधिक पहुंच गई थी। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बोर्न, साइंस ड्रिवन और साइंस बेस्ड रहा है। अप्रैल 2020 के बाद मामले अपने न्यूनतम लेवल पर जा चुके थे। ये युद्ध सिर्फ नागरिकों ने या सरकार ने या वैज्ञानिकों ने अकेले नहीं लड़ा, ये युद्ध लड़ा पूरे भारत ने, वो भी एक साथ मिलके। I can confidently say that among all the countries in the world, for the given population of 1.3 billion population, we have done the best in terms of saving maximum number of lives.
That was possible because of not one decision, multiple decisions government took rather at the right time. और आज मुझे संतोष है कि मेरे देश के डॉक्टरों ने, मेरे देश के अस्पतालों ने, मेरे देश के वैज्ञानिकों ने वो काम करके दिखाया कि वैक्सीन के कारण ऐसी एक भी नेगेटिव खबर नहीं आई जिसके कारण मेरे देश का विश्वास हिल जाए। कोविड-19 के काल में हर किसी ने किसी ना किसी को खोया, लेकिन इस उम्मीद को नहीं खोया कि ये तूफान एक दिन गुजर जाएगा। बुरा वक्त है, बस ये वक्त भी बीत जाएगा। Citizens in India have been remarkably resilient and open to science. And I think all summed up together, India's vaccination drive, I think is a historically a remarkable story. दुनिया के स्टैंडर्ड में तो हम काफी पीछे रहे। भारत में जैसी बीमारी पहुंचेगी, भारत पूरे विश्व के लिए बोझ बन जाएगा, ऐसा दुनिया सोचने लगी। लेकिन हमें भारत को आश्वस्त करना बहुत जरूरी था, और इसलिए हमने भारतीयों पर विश्वास करते हुए, भारत के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए, इस संकट में हमें कोई मदद मिले या न मिले, हमें अपने पैरों पर खड़े होना है। वो एक अप्रोच लिया और उसका परिणाम यह आया कि विश्व को जो लगता था कि भारत खुद ही बोझ बन गया, विश्व को लगने लगा भारत हमें बचा पाएगा, और हमने कहां से कहां यात्रा इतने कम समय में पार की, ये अपने आप में जब इतिहास के पन्नों पे चीजों का एनालिसिस होगा 25-50-100 साल के बाद, भारत का इस कालखंड अत्यंत मानव जाति की सेवा का उत्तम कालखंड के रूप में जाना जाएगा। जैसे लंबी ठिठुरती रात के बाद धूप के मूल्य का पता चलता है, वैसे ही दुर्घटना के बाद जीवन का, और जीवित रहने के लिए जरूरी है उसी अपनेपन और संवेदना को जीवित रखना जो बुरा वक्त हमें सिखा के गया, ताकि अगली बार जब भी कोई विपदा बिना आवाज की आए तो हमें और हम सबको एक साथ पाए। जय हिंद।